नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पीईटी का रिजल्ट आउट हो चुका है। बस कुछ देर में आपकी जो साइट है वो आपकी फ्री हो जाएगी और उसके बाद अपना स्कोर कार्ड दे सकोगे। लेकिन मित्रों, कुछ बच्चों के जो मन में प्रश्न आ रहे हैं कि आखिरकार किस शिफ्ट पर जो नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा, क्योंकि अब यूपी SSSC आयोग ने पीईटी में भी नॉर्मलाइजेशन की है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा और किस शिफ्ट को नुकसान, वहीं पर आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहे। तो मित्रों, यहां पर आप देखिएगा, जो आपका यूपी पीईटी 2022 परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपका घोषित हो चुका है और आपका रिजल्ट आउट भी हो चुका है। कुछ समय में ही आपकी जो लिंक है वो फ्री हो जाएगी। वहीं पर आप जब रिजल्ट देख रहे हो तो उस पर लिखा आ रहा है वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, यानी कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, तो वेबसाइट लोड के कारण आपकी वेबसाइट थोड़ा जो बिजी हो गई है, इसलिए वह आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए आपको कुछ समय बाद जब आपकी वेबसाइट लोड फ्री हो जाएगी, तो वह जब फ्री होते ही आपकी जो स्कोर कार्ड है आप उसे डाउनलोड कर सकोगे। वहीं पर जो आपके किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है, किस शिफ्ट पर प्रभाव पड़ेगा, कौन सी किसको नुकसान होगा, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं। जहां पर नॉर्मलाइजेशन देखा गया है उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो आपके जो टॉप मार्क्स होते हैं जिस शिफ्ट में और जो लोएस्ट मार्क्स होते हैं उनको देखा जाता है। जिस शिफ्ट में टॉप जो एवरेज मार्क्स होंगे उसके आधार पर उसके मार्क्स एक दो नंबर कम कर दिए जाएंगे, वहीं पर जिस शिफ्ट में आपके जो एवरेज मार्क्स है वो कम होंगे वहां पर एक दो नंबर की बढ़त हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर प्रभाव देख सकते हो केवल एक से दो नंबर का। यानी कि अगर आप यहां पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव देखोगे तो एक से दो नंबर का आपको यहां पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, एक से हाईएस्ट एक से दो नंबर की आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। किस शिफ्ट को फायदा होगा, उम्मीद तो ऐसी जताई जा रही है कि जो दूसरे दिन वाले जो आपको है उनको नुकसान होने वाला है और पहले दिन पहली शिफ्ट को थोड़ा फायदा होगा क्योंकि उनको पेपर का लेवल मालूम नहीं था। लेकिन जब आपके दूसरी शिफ्ट वाले बच्चे दूसरे दिन जब पेपर देने गए तो उनको उस लेवल का जो पेपर का लेवल था उनको पता चल गया। अब आगे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव होता है, वो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चल सकेगा। अभी आपका रिजल्ट खुला नहीं है क्योंकि साइट बिजी जा रही है। वहीं पर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो मित्रों मैं आपको बता दूं आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल कब हो पाओगे। अगर आप इस पीटी एग्जाम में अगर आप 60 प्लस मार देते हो, यानी कि अगर आपका स्कोर 60 है तो आप 60 के आसपास अगर हो तो आप प्रत्येक भर्ती के लिए एलिजिबल हो, प्रत्येक भर्ती में आप अपीयर हो सकते हो। निश्चिंत रहे, आप खुशी से अपना स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करें और जो भी अपना स्कोर कार्ड है उसको रखे रखें, क्योंकि जो भी भर्ती होगी उसमें आपका पीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो जरूर मांगा जाएगा। यूपी SSSC आयोग जितनी भर्ती कराएगा वो पीईटी से कराएगा, इसलिए अपने स्कोर कार्ड को संभाल कर रखें, चाहे आपके जीरो मार्क्स ही क्यों ना हो, क्योंकि जीरो मार्क्स से भी बहुत सारी भर्तियां यूपी पीईटी से आपकी निकलती है यूपी SSSC आयोग के द्वारा। और जो भी अपडेट आएगा यूपी पीईटी से रिलेटेड, AKGS रिसर्च सेंटर फिर से आपके सामने उपस्थित होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे भी आपको अपडेट मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।